मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी प्यारे दोस्त मेरे विद्यार्थी होते हैं। मेरा आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं इन्होंने बहुत अच्छी परीक्षा दी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट उनका आने वाला है और स्वाभाविक है सभी के सभी अपनी आगामी साल की तैयारी में लग गए हैं कि इस बार तो जितना भी परसेंट रहा हो ठीक है, पर अगली बार हम इससे भी बेहतर परसेंट बनाएंगे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बीच में ये 2 महीने का समय है, इस 2 महीने के समय में आप कुछ नया सीखिए, उसमें सबसे ज़रूरी है इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश की बात इसलिए करूँगा क्योंकि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने विषय के बारे में ज़्यादा बताऊँगा कि इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में फ़र्क इतना ही होता है सिर्फ भाषा का। जो बातें हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वही बातें इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा इस बात का मिल जाता है कि आगे की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में हो जाती है और उनका मीडियम इंग्लिश होता है तो वो आसानी से उसे समझ लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चुनौती होती है, उन्हें इंग्लिश एकदम नया पड़ जाता है क्योंकि 12th तक वो इंग्लिश पे विशेष ध्यान नहीं दे पाते और 12th के बाद उन्हें एकाएक अचानक इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है और इंग्लिश की आवश्यकता है भी। अगर हम अपने आसपास देखेंगे, सरकारी स्कूल ही बस हिंदी मीडियम स्कूल बचे, बाकी सारे के सारे प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम हैं। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट स्कूल रोज़गार के भी दरवाजे खोलते हैं, मतलब वह एक बड़े स्केल पर रोज़गार देते हैं। प्राइवेट संस्थान में रोज़गार की पहली शर्त है, पहला पैरामीटर यही है, मापदंड कि जो उनको चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। और प्राइवेट क्या गवर्नमेंट में भी हर जगह जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, जो आवश्यक है, वो हमारे पास होना चाहिए। तो मेरा अपने विद्यार्थियों से यही कहना है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में कुछ नया सीखा जाए, इंग्लिश सीखी जाए, गणित सीखी जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो वैसे आपको कठिन लगते हैं, जीके कॉमर्स इस प्रकार का सीखा जाए। फिलहाल हमारे यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश इतने विषय आप सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आए जो ये कहे मैं अंग्रेज़ी सीख ही नहीं सकता, दुनिया का कोई मास्टर मुझे अंग्रेज़ी सिखा ही नहीं सकता, कृपया ऐसा विद्यार्थी मेरे पास ज़रूर आए। और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है या कोई दुनिया का ऐसा विषय नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं है जिसे नहीं सीखा जा सकता, सब कुछ सीखा जा सकता है, निर्भर करता है सीखने और सिखाने वालों पर। तैयारी करें, मैं ये नहीं कहता मामा के यहाँ मत जाइए, भुआ के यहाँ मत जाइए, घूमने मत जाइए, खूब जाइए, 1-2 घंटे कुछ अलग सीखने में भी लगाइए। ऐसा मेरा मानना है कि आपको लगाना चाहिए, आपको करना चाहिए।